मंच पर आसीन हमारे मार्गदर्शकगण, सभागार में उपस्थित हमारे प्रबुद्ध संग्राम साथी साथियों, ये आयोजन एक ऐसे समय में हुआ है जिसे मैं अपने शब्दों में आजाद भारत का बहुजन लिहाज से सबसे भयावह हूँ। आप यकीन मानिए साथियों, हजारों साल की हिस्ट्री में इस देश में जो वर्ग संघर्ष चल रहा है मूल निवासियों और सबलों के बीच, उस संघर्ष में आप आघात, आपको पता होना चाहिए कि भारत की हिस्ट्री जो है आरक्षण पर संघर्ष का इतिहास है। ये संघर्ष देवासु संग्राम से लेकर आज बड़ा चला गया। इस संग्राम का सबसे जोरदार स्टेज मंडल के दिनों में होता है। मंडल की लड़ाई जो थी आने वाले दिनों में बहुजनों को तमाम क्षेत्रों में उनकी प्राप्ति दिलाने की लड़ाई थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है मित्रों, जब लगा कि हम इस देश की संपदा संसाधनों पर अपना हिस्सेदारी पा लेंगे, उसी दौर में कुछ हमारे बहुजन नेतृत्व की तरफ से ऐसा फर्ट हुआ कि आज सत्ता वो वर्ग का भी है जिसके खिलाफ हमारे मुख्य हजारों साल से लड़ाई करते रहे। मैं कह रहा हूँ सबसे भयावह दौर से आप गुजर रहे हैं, इसका प्रमाण ये है कि आज की तारीख नौकरियों में 90% की कटौती हो चुकी है। आज की तारीख में अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयर इंडिया और तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं धीरे धीरे निजी क्षेत्र में ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज की तारीख में आपका मुकाबला एक ऐसे संगठन के साथ है जो आजाद भारत की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल संगठन है। मित्रों, हम बात भाजपा की कर रहे हैं। भाजपा ने मंडल के बाद से जो लड़ाई शुरू होती है नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके आरक्षण और अधिकारों के खात्मे के लिए जो प्रयास विगत 25 सालों में किया, मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में उसे कम्प्लीट कर दिया है। अगर सवालों के नजरिए इससे देखिए तो मोदी आप भारत की हिस्ट्री के सबसे बड़े नायक के रूप में उभर चुके हैं, क्योंकि इस शख्स ने बहुजनों के हिस्सेदारी के खात्मे का वो मुहिम चलाया और जिस सफलता के साथ उसे अंजाम दिया उसका कोई जवाब नहीं। तो आपका मुकाबला एक ऐसे संगठन के साथ है जिसके पास विद्या भारती के रूप में 28,000 कुछ संगठन है, उस संगठन के साथ 2,20,000 आचार जुड़े हुए। जिस संगठन से आपकी लड़ाई है उसके 56,000 के करीब शाखाएं चलती है और इन शाखाओं के साथ जो है 55,000 लोग जुड़े हुए। इस संगठन के साथ 83,000 लोग मजदूर वर्ग के रूप में, लगभग 60,00,000 छात्र इसके साथ। तो मित्रों, स्थिति बड़ी भयावह है, बड़ी ताकतवर संगठन से आपका मुकाबला है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके नेतृत्व में हमें लड़ाई लड़नी है वो आज जो है पूरी तरीके से दिशाहीन है। तो मैं इसी उम्मीद में आज आया इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कि इस भयावह दौर में यहाँ से कुछ मार्गदर्शन दिए गए, और मैं आशावादी हूँ विशेष करके इसके विश्वास उपस्थिति से मुझे भारी उम्मीद मिली। आप में से बहुतों को पता नहीं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, राइटर के रूप में जो भी पहचान है उसका सारा श्रेय जो है मेरे गुरु विश्व के विश्वास हो जाता है, उनकी उपस्थिति में इस मंच पर संबोधित करके। मित्रों, आपकी ये हर तरह से जो है बताया कि सबसे शक्तिशाली संगठन के सामने आपकी लड़ाई है, आपके पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट, वो प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास वंचितों की विशालतम आबादी, डिप्राइव्ड सेक्शन की इतनी बड़ी आबादी दुनिया में कहीं नहीं। ये जो विशाल आबादी है शक्ति के तमाम स्रोतों से पूरी तरीके से जो है वंचित हो चुकी है। आप इसे वंचना का एहसास दिलाइए, मुझे लगता है कि वंचना का एहसास दिलाएंगे तब ये अधिकार पाने के लिए संगठित होगी। हो सकता है कि इस स्थिति में हम जो है प्रतिरोध ताकतों का जो है मुकाबला कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मन से मेरा यही अपील रहेगा कि सर आप लोग कुछ ऐसा ये करें जो आपकी विशाल वंचित बहुजन आबादी है इस आबादी को एक लिबरेशन के काम में लगाया जा सके। हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि जिस विशाल वंचित आबादी की हम बात कर रहे हैं अब एक सोशल ग्रुप उसकी पहचान नहीं रही। मोदी सरकार आरक्षण में वर्गीकरण का जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसके तहत सिर्फ ओबीसी का है, जैसे ओबीसी की पहचान नहीं आ जाएगी, ओबीसी में अनेक विभाजन हो गए।
उसी तरीके से विभाजन जो है बिहार में आपने देखा है, लेकिन ये सर्वभारतीय स्तर पर एससी एस टी समाज के बीच बनने जा रहा है। तो आपके पास जो विशाल जनशक्ति है, ये जनशक्ति भी जो है छितराई हुई है और इससे और जो है बिखराने की स्थिति पैदा की जा रही है। तो किस तरीके से इस विशाल संख्या को आप संगठित करके अपने निवेशन के काम में लगा सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा जो मार्गदर्शक मंडल बैठा हुआ है इस पर रोशनी डालेगा। जय हिंद, जय भारत।